हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो अक्सर डेली ही हमारे काम में आती है और ये डेली हमारी बहुत ही मदद करने वाली है। तो आइए जानते हैं क्या है वो छोटी छोटी टिप्स जो हमारे बहुत ही काम आएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करना तो एकदम ना भूलें और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। जब भी हम चीनी स्टोर करते हैं तो अक्सर हमें प्रॉब्लम आती है कि उसमें चींटियाँ आ जाती हैं। तो लौंग की टिप आपको पता होगी कि उसमें लौंग डाल दें तो चींटियाँ नहीं आती हैं, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और अगर आपके पास लौंग ना अवेलेबल हो तो आप जो दालचीनी की स्टिक होती हैं वो भी आप लेकर के डाल सकते हैं। तो और या चाहें तो दोनों लेके डाल सकते हैं, क्योंकि जो स्पाइसेस में होता है अपना बहुत ही अच्छा एरोमा रहता है, तो चींटियाँ जल्दी आती नहीं है उस डिब्बे में जिस डिब्बे में अगर लौंग या दालचीनी आपने रखी है। तो ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग चींटियों से बहुत परेशान रहते हैं, अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं चीनी के डिब्बे में। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। अक्सर हम जब आलू उबालते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि आलू जो है बहुत ज़्यादा उबल जाते हैं, आलू फट जाते हैं, उसके अंदर पानी चला जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए जब आप आलू उबालें उस वक्त आप आलू उबालते से पहले उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, आधा चम्मच। उसके बाद आप आलू उबालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आलू फटेंगे नहीं और पानी आपके आलू के अंदर नहीं जाएगा और आपके आलू बहुत ही अच्छे बॉयल होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम बटर फ्री से निकालते हैं और वो काफ़ी हार्ड होती है। तो हम अगर किसी भी चीज़ में हमें अप्लाई करना है तो ये देखिए ये काफ़ी हार्ड है, तो हम इसको स्प्रेड करके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कद्दूकस लेना है और इसके बाद इसको लेके ग्रेट कर लेना है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है क्योंकि अक्सर हम लोग जो मक्खन होता है हमेशा ही फ्रिज में ही रखते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, बहुत ही ऑब्वियस है। और उसके बाद जो है हम इसको स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने इसको कद्दूकस कर दिया है, अब हम इसको बहुत ही ईजली, ये देखिए अब आप इसको बहुत ही ईजली कहीं भी स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपको समय बहुत कम है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं ले आ सकते हैं और तुरंत तुरंत आपको अपने किसी भी डिश में अप्लाई करना है तो आप ऐसे ही कद्दूकस करके बटर तुरंत यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम छोले या राजमा भिगाना भूल जाते हैं और हमें तुरंत बनाना रहता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली राजमा लेना है और कैसरोल में लेके डाल देना है और उसके बाद हमको इसमें गर्म पानी लेके डालना है। पानी एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए और उसके बाद कैसरोल का अपने ढक्कन लगा दीजिए। आप देखेंगे कि 2 घंटे में आपके राजमे या छोले फूल के तैयार हो जाते हैं। अक्सर ये ऐसा होता है कि हम जल्दी में रहते हैं और रात में भिगाना भूल जाते हैं क्योंकि ये राजमे छोले चने ये सब एक दिन पहले से ही भिगाना पड़ता है, तो कभी कभी टाइम बहुत ही कम रहता है, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप कैसरोल में गर्म पानी डाल दें और उसके बाद चने राजमे या छोले भिगाएं तो आपके 2 घंटे में फूल के तैयार हो जाते हैं चने छोले या राजमा। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम प्याज या लहसुन काटते हैं तो हमारे हाथ में स्मेल आने लगती है और वो जाती नहीं है जल्दी, चाहे कि हम जितना भी हाथ धुलें। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली नमक लेना है, आधा चम्मच नमक लेना है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के रब करके उसके बाद आप अपना हाथ वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये लहसुन और प्याज की जो स्मेल थी आपके हाथों से वो चली जाती है, क्योंकि बहुत ही हम काम करते रहते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक स्मेल नहीं जाती है। तो ऐसे ही आप नमक ले करके हाथ में अपने, फिर उसके बाद इसको अच्छे से पानी डाल करके पहले थोड़ा सा वॉश कर लीजिए तो आप देखेंगे कि आपके हाथ से ये जो स्मेल थी प्याज और लहसुन की चली जाएगी। अक्सर क्या होता है जब भी हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो हम इलायची लेते हैं और उसको खोलते हैं और जो इसका जो ब्लैक हिस्सा होता है, जो सीड होता है, वो हम यूज़ कर लेते हैं और इसको छिलके को अक्सर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। बट इसके छिलके जो है बहुत ही अच्छा इसमें एरोमा रहता है, बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है और ये काफ़ी फ़ायदे का भी होता है।
तो अगली बार जब भी आप यूज करें इलायची, तो आपने इसके बीज तो ले लिए, जो इसका जो कवर होता है आप इसको इकट्ठा करते जाएं, या जब भी आप ऐसे एक या दो भी आपके पास हो तो आप इसको लेके जब अगली बार जब चाय बनाएं तो उसमें ये लेकर के छिलके लेके डाल दें, पानी जब उबल रहा हो, तो आप देखेंगे कि आपकी चाय में बहुत ही अच्छा एरोमा आ जाता है, आपकी चाय बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो ये जो इलायची के जो छिलके होते हैं इसको कभी भी बेकार समझकर ना फेंकें, ये बहुत ही अच्छा एरोमा इसमें आता है, आप चाय में एक बार इसको डाल के जरूर यूज करें। अक्सर क्या होता है, हम जहाँ आटा स्टोर करते हैं वहाँ हमें तेज पत्ता लेकर के उस डिब्बे में 2 से 3 लेके डाल देना चाहिए, उसके बाद मिक्स कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो आपका जो आटा रहता है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, आप चाहे जितना आटा लेकर के स्टोर करके रखिए, और उस पर मॉइस्चर जल्दी नहीं आता है, क्योंकि अक्सर लोग ने देखा होगा जब आटा स्टोर करते हैं तो वो फ्रेशनेस जैसी पहले रहती है, बाद में थोड़ी कम होने लगती है। तो अगर आप तेज पत्ता लेकर के ऐड कर देंगे 3 से 4, अपना जहाँ भी आप आटा स्टोर करते हैं उसमें फिर लेके मिला देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका आटा लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और मॉइस्चर उसमें जल्दी नहीं आएगा। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, चाहे जितनी भी वो कोशिश कर ले लेकिन दही उनकी अच्छी नहीं जमती है, तो उसके लिए अगली बार आप जब भी दही जमाएं उसमें जावन डालें, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दें, हल्के गर्म दूध में जावन लेके डालें और उसमें 1 साबुत लाल मिर्च लेकर के डाल दें, मिक्स कर दें, उसके बाद ढक के आप जैसे नॉर्मल दही जमाते हैं अपना, जैसे उसी प्रोसेस के साथ आप दही जमाएं, तो आप देखेंगे अगली बार जब ये मिर्च डालेंगे, साबुत लाल मिर्च, तो आपकी दही कितनी अच्छी, खूब अच्छी, गाढ़ी, थक्केदार जमती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एकदम मार्केट जैसी जमेगी दही। क्योंकि अक्सर लोग की प्रॉब्लम होती है कि दही मार्केट जैसी अच्छी नहीं जमती है, तो उसके लिए अगली बार अगर आपको लगे कि अच्छी नहीं जमती है तो आप 1 लाल मिर्च साबुत डाल के तब उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस से दही जमाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी दही बहुत ही अच्छी जमेगी। अक्सर जो है दही आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि खट्टी हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो दही है उसमें लेकर के दूध आप 2 चम्मच लेके ठंडा दूध लेके ऐड कर दीजिए, उसके बाद मिक्स कर दीजिए, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो दही की तब उसमें थोड़ा और दूध ऐड कर लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो दही का जो खट्टापन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो आप अगर दही में दूध लेके डाल देंगे तो खट्टापन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये टिप भी दही से ही रिलेटेड है। अक्सर जब भी हम दही की कोई भी सब्जी बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, तो एक बात आपको ध्यान देनी है, नमक हमेशा लास्ट में ऐड करना है, कढ़ी बनाते वक्त भी नमक हमेशा लास्ट में डालें, उससे क्या होगा कि आपकी जो कढ़ी है वो फटेगी नहीं, या दही की भी आप जब सब्जी बना रहे हो, आलू या दही की सब्जी या दही की कोई भी सब्जी बनाएं, तो उसमें नमक हमेशा लास्ट में डालें, उससे आपकी दही फटेगी नहीं और जो सब्जी है आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये टिप आपके बहुत ही काम आएगी, क्योंकि अक्सर लोग की शिकायत होती है कि कढ़ी बनाते वक्त या दही की कोई भी सब्जी बनाते वक्त जो है उनकी दही फट जाती है, तो ये टिप आप अपनाएंगे तो आपकी जो है नमक हमेशा लास्ट में डालेंगे तो आपकी दही जल्दी फटेगी नहीं। जब भी हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो अगर हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी जैसी आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं वैसी नहीं हुई है, या बहुत ही जैसी आप गाढ़ा चाहते हैं कि वैसी गाढ़ी नहीं हुई है, तो क्या करना है, सिंपली आपको उबला हुआ आलू लेना है और उबले हुए आलू को लेके अच्छे से मैश कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से मैश कर दीजिए यूनिफॉर्मली, उसके बाद मैश आलू को लेकर के अपनी ग्रेवी वाली सब्जी में डाल दीजिए, तो उससे आपकी सब्जी का टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा, और उसके बाद उसको 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लें, टेस्ट भी बढ़ जाएगा आपकी सब्जी का, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपकी सब्जी थिक होने लगी है, अच्छी गाढ़ी होने लगी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी हो जाती है। तो उबला हुआ आलू जब भी आपको लगे कि आपकी ग्रेवी बहुत पतली है, तो उबला हुआ आलू मैश करके डाल दें, उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए उसको बॉयल कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सब्जी है वो बहुत ही अच्छी थिक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो अक्सर ही डेली ही हमारे काम आती हैं, ये बहुत ही बेसिक टिप्स हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हमारे डेली काम में आएंगी, तो अगर आपको मेरी टिप पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करना एकदम ना भूलें वीडियो को, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय।